इंसान में आपका क्या रोल है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली इट्स नॉट अ वीमेन ओरिएंटेड फिल्म, वीमेन ओरिएंटेड तो नहीं है प्रोजेक्ट। देर आर थ्री हीरोज, मेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है एंड आई प्ले अजय'स वाइफ इन द मूवी एंड इसमें खास कुछ सरप्राइज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल हीरोइन रोल। तो क्या वजह थी ज्वाइन करने की इस प्रोजेक्ट में, जैसा कि आपने इंतज़ार किया एक फुल फ्लेज हीरोइन बनने के लिए, फिर आपने इंसान ज्वाइन किया, तो क्या खास वजह थी इसे ये करने की, इंसान साइन करने के लिए? हाँ, क्या आई थिंक देर आर 100 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैनर केशु जी एंड राजकुमार संतोषी, माई को-स्टार इज अजय देवगन, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड द रेस्ट ऑफ द स्टार्स, अक्षय है, ईशा है, तुषार है, लारा है, इट्स अ ग्रेट स्टार कास्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर हीरोइन ऐसा नहीं करते कि हर मीनिंगफुल सब्जेक्ट देख के स्टोरी पिक्चर साइन करते हैं, कभी कभार अच्छे स्टोरी अच्छे पिक्चर का पार्ट होना भी मायने रखता है। तो आई थिंक यू नो एवरी मूवी कांट बी अ हीरोइन ओरिएंटेड और स्टोरी मुझ पे बेस होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, स्पेशली बॉलीवुड वेयर इट्स डोमिनेटेड बाय द हीरोज, मेल डोमिनेटेड। इंसान के बारे में बताइए, टाइटल क्या है, क्या दिखाया जा रहा है इस फिल्म में, किस चीज़ पे बेस्ड होगी ये फिल्म? इट्स अ कॉप फिल्म, सो आप देखेंगे जब आप पिक्चर देखेंगे तो किस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट गुड कि आपको मैं अभी स्टोरी दे दूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ कोई स्टोरी के साथ कनेक्शन, मेरा कनेक्शन सिर्फ अजय के साथ है पिक्चर में, स्टोरी के साथ खास कुछ नहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा अजय देवगन के साथ? वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड को-स्टार, वेरी प्रोफेशनल एंड एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ, बहुत सपोर्टिव है, एनर्जेटिक है। आज जो सीन जो पिक्चराइज हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बताइए, क्या सिचुएशन? ये गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है राइट आफ्टर मैरिज, तो ये एक ही गाना है हम दोनों का पिक्चर में, तो आखिरी दिन आज गाना शूटिंग हो रही है, अभी लास्ट पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ बाकी है।